उनके माता पिता अक्सर चर्चा करते थे, ठाकुर जी बोलते हैं जो बोलते हैं वही होता है, ठाकुर जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठाकुर जी अगर कह दिए तो सब कुछ हो जाएगा। ये लड़का क्या किया, लड़का सुबह ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए थे, दौड़ा दौड़ा गया बाहर, पहरा में बहुत सारे लोग थे, बैरिकेड जैसा बना हुआ था, उसके अंदर से किसी तरह खिसक के अंदर चला गया, सीधा अंदर जाके ठाकुर जी के एकदम प्रणाम करके, छोटा सा बच्चा जैसे ही प्रणाम करके उठा, ठाकुर जी उसकी ओर देखे तो के मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछे क्या बात मनी, तो मनी कहते थे एकदम छोटा सा लड़का, तो ठाकुर जी को देख के वो लड़का बोला ठाकुर जी मेरी माँ मर जाएगी। तो ठाकुर जी फिर प्यारीदा से पूछे, आप प्यारीदा ने बताया विस्तार से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ठाकुर जी ने बोला तू घर जा, तेरी माँ का कुछ नहीं होने वाला है, ये लड़का जिस तरीके से आया था, जितनी तेजी से आया था, उसकी 10 गुना तेजी से इतना सुनने के उपरांत भागता हुआ चिल्लाता हुआ पार्लर के अंदर से, भोग का घर जहाँ पे है, कटहर, कटहर का एक पेड़ है आप सभी जानते हैं, वहां तक दौड़ता हुआ गया, वहां जाके गिर गया, गिरा किसी वजह से, वहां उन दिनों कंकड़ का रास्ता होता था, ऐसे सीमेंट का नहीं था, जो आश्रम को पुराने जमाने में बचपन में देखे हैं वो जानते हैं। तो इसका विश्वास देखिए, ये लड़का छोटा सा 7 साल का लड़का, इसका विश्वास इतनी गहरी थी कि वो चिल्लाता हुआ गया कि ठाकुर जी ने कह दिया मेरी माँ का कुछ नहीं हो। अब हुआ भी ऐसा ही, वो माता ठीक हो गए। अब ठाकुर जी हमारे जीवन में, जब वो साक्षात लीला कर रहे थे उस समय की बात मैं ये बता रहा हूं, लेकिन एक दिन का उदाहरण मैं और देना चाहूंगा कि उस जमाने में ठाकुर जी जब किसी को कुछ कहते थे, तो आश्रम में जरूरी नहीं था कि सारे लोग सरलता के साथ ठाकुर जी की बातों को मानने को तैयार होते थे, कई लोग हैं बहुत सारे लॉजिकल बातें करते थे कि ठाकुर जी ऐसे अगर किया जाए, ऐसे अगर किया जाए, ऐसे ही आप सभी जानते हैं सत्तानुसरण में ठाकुर जी ने खुद बताया, सत्तानुसरण में ठाकुर जी कहते हैं अहंकार से ही आसक्ति आती है, आसक्ति से आती है अज्ञानता, और अज्ञानता ही है दुख, संदेह से ही अविश्वास आता है, और अविश्वास से ही है जड़त, आलस्य से ही मूर्ता आती है, और मूर्ता से ही है अज्ञानता। तो अज्ञानता का क्या कारण है, अहंकार का क्या कारण है, हर चीज ठाकुर जी ने सत्तानुसरण में दे रखी। अब देखिए जो सार्थ बुद्धि की आत्मतुष्टि का अभिप्राय ही है लोभ, और यह लोभ, यह आसक्ति जो निर्लोभ है वही अनासक्त, ठाकुर जी ये भी बताए। अब अनासक्त जो व्यक्ति है, जो निर्लोभ है वही हो सकता है। अब ऐसे लोग उस जमाने में भी होते थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग होते थे जिनका मन में अहंकार बड़ा तीव्र होता था। उस जमाने में एक मैनेजर टाइप का आदमी ठाकुरबाड़ी में काम करते थे, लेकिन उसका आयु बड़ा कम था, ठाकुर जी को पता था इस बात का। उन दिनों ठाकुर जी जो पंडित जी थे आश्रम के, अभी जो आश्रम में औरित्य करते हैं, इनके दिवंगत पिताश्री थे उस जमाने में, पंडित जी के नाम से वो मशहूर थे, तो मिस्टर भट्टाचार्य आप सभी जानते हैं, तो उनसे ठाकुर जी का चर्चा भी हो गया था कि इसका आयु, इसका जो है मृत्यु योग है। उस दिन क्या हुआ, ये आदमी आया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने, ठाकुर जी ने बोला कि रत्नाचल में हम जाके एक नया मकान लिए हैं, उस मकान को तुम जाके साफ सुथरा करो, उसको साफ सफाई करो, और ऐसा देखना कि उसमें कहीं भी झाड़, कहीं भी किसी तरह का कंकड़ कुछ भी ना रह जाए। ये आदमी गया लोग लश्कर को लेकर, और साफ सफाई करने के बाद लौट के आया, कुछ देर बाद लोगों को उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं बाकी देख के आ रहा हूँ थोड़ी देर। तो साफ सफाई के बाद ठाकुर जी के पास निवेदन करने के लिए आया, तो बंकिमदास दूर से ही देख के उसको बोला कि ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं, कोई नहीं, ठाकुर जी ने आपके लिए बताया कि आप जाके दोबारा से देखो, कहीं और झूल कंकड़ वगैरह तो नहीं है, ऊपर भी देखो। तो जाके ऊपर देखे, हाँ सही में जगह जगह झूल वगैरह पड़ा हुआ था, मकड़ी की जाले वगैरह। अब ये जब देखा उन्होंने, तो देखते ही उनके मन में लगा कि नहीं, मैंने तो अभी लेबर लोगों को सारा को ये कर दिए, और ठाकुर जी ने बोला है मुझे करना ही है, तो कैसे कर रहे हैं, वो अकेला ही करते रहे, करते करते शाम हो गया, शाम होते होते उनका काफी देर हो गया, उन दिनों आनंद बाजार का भी टाइम होता था, उस टाइम में जाके वो खाना नहीं खा पाए, तो बिना खा के ये सोने के लिए जा जब रहे थे अपने घर में, तो अंधेरे से आए थे, इस वजह से उनके हाथ में उस दिन टॉर्च था, ऐसे अमूमन उनके हाथ में कभी टॉर्च होता नहीं था। ये उस जमाने में बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी, उस जमाने का डबल एमए, एमए पास, उस जमाने का बहुत बड़ा डिग्री होता था। ये आदमी का इतना अहंकार था अपने काम करने के तरीका के ऊपर, ये सोच रहा था ठाकुर जी मेरे को लेबर का काम दे दिए,
ऐसे घर सफाई करने का, ऐसे मेरे से ठाकुर जी करा रहे कि भाई जाओ वो घर को साफ करो, ये मेरा काम है, मन ही मन सोच रहा है। दूसरे दिन चलो रात को ही गए कि ठाकुर जी को निवेदन करें, और ठाकुर जी को बताएगा ये कि भाई मैंने वो घर पूरा अच्छी तरह से, पूरा रत्नाचल की जो बिल्डिंग, तो छोटा बिल्डिंग नहीं है, आप जानते हैं देवघर सत्संग साइंस कॉलेज जहां पर बना हुआ उसका ओरिजिनल बिल्डिंग वही है, हम भी वहीं के पड़े हुए। तो जब निवेदन करने गए तब एकाएक बंकिम दा फिर बाहर निकल के आ गए कि ठाकुर जी तो सो गए, कल सुबह आना, सुबह आके निवेदन करना। अब जब वो बेमन होके जब वापस लौट रहा था तो टॉर्च उसके हाथ में था, टॉर्च लेके गया अपने रूम में, जाते ही देखा रूम में जहाँ जिस बिस्तर पे सोना है, सोने की मन बनाया, जैसे ही सोने जाना टॉर्च जलाया, जला के देखता वहां पे करेट, जो कराती सांप जिसको बोलते हैं, ये कराती सांप जो है, क्रेट क्रेट इंडियन क्रेट, ग्रेट इंडियन क्रेट्स बोलते हैं इसको, ये भयानक विषैला सांप होता है, इसके काटने से आदमी 20 मिनट से ज्यादा बचता नहीं है, ये चौथा है वर्ल्ड में अगर विषैला सर्प दंशन की बात अगर करें तो। ये बिस्तर पे था, उसको उसने लाठी से दूर किया, फिर मारा, फिर तुरंत ठाकुर बाड़ी की ओर चला गया। और सुबह जब प्रेयर हुआ, प्रेयर के बाद लंबा प्रेयर होता था, प्रेयर के बाद ठाकुर जी को निवेदन करेगा, इसमें मौका मिल ही नहीं रहा कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा हुआ, देखिए आपने बोला था मैं गया हुआ था लेकिन मेरे को सांप काटने वाला था, ये मन में कुछ और सोच रहा, और ठाकुर जी उनके लिए कुछ और बना के रखे थे, इसकी मन की अहंकार भी अवदमित नहीं था, प्रशमित नहीं था, इसके कारण ये कुछ और सोच रहा है कि मैं निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी ऐसा मेरे साथ करूंगा, और ठाकुर जी कुछ और सोच के बैठे हुए, इसका आयु उस दिन खत्म था। जब वो प्रेयर के बाद जब निवेदन नहीं कर पाया तो बाहर गया चाय वाय पी के, फिर वापस आया, वापस जब गेट में अंदर घूमा, छोटा सा गेट था, आप सभी जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो उस गेट से जब अंदर जा रहे थे तो पंडित जी निकल रहे थे, निकल के बोला थोड़ी देर पहले तुम्हारे बारे में चर्चा हो रहा था, तुम्हारे ही बारे में चर्चा हो रहा था, ठाकुर जी तुम्हारे बारे में बता रहा था, तुम्हारा तो आयु योग जो है आज तुम्हारा मृत्यु योग था। तो तुरंत वो दौड़ा हुआ गया और ठाकुर जी के पास एकदम सष्टांग प्रणिपात किया करके रोने लग गया। ठाकुर जी स्नेहल दृष्टि से देखिए, देख के फिर पूछे कैसे हो, सब कुछ ऐसे है हमारे ठाकुर जी, जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ रह के ही, जहां पे नहीं है, जहां से हम उनको देख नहीं पाते, वो तो है हमेशा हमारे साथ है, लेकिन वो जहां हम उनको देख नहीं पाते, ऐसी जगह से ठाकुर जी बहुत सारे लोगों का जिंदगी का उदाहरण देते थे, मैं थक जाऊंगा ठाकुर जी के बारे में बताते बताते मैं थक जाऊंगा, इसका उदाहरण भागवत गीता में ही, अगेन मैं आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन, कि उसमें स्वयं भगवान से बताया है कि आश्चर्यवत प्रस्तुति कसी दिन आश्चर्यवत बदती तथा वचन्य आश्चर्य वचन ही मन न सहते सत्ता पे न भेद न चय कसी, कोई मुझे तो आश्चर्य दर्शन करते हैं, कोई मुझे आश्चर्य ज्ञान करके श्रवण करते हैं, लेकिन है तो वही अब ठाकुर जी के बारे में बताए जितनी बताए उसको समझा नहीं कि ठाकुर जी हम सबके जीवन में है, क्योंकि वही हमारे को आगे जाके जीवन का सबसे बड़ा होता है, है कि आज के 100 साल पहले से और 150 साल 132 साल का ठाकुर जी का जन्म वर्ष, 100 साल पहले से हम लोग इंडिविजुअली कह रहे हैं आप नहीं देना चाहिए, आप जब खाने खाते जब खाने खाते रहते हैं उसके बाद आपको हाथ कैसे धोना, आपका व्यवहारिक सुचिता, आपका आध्यात्मिक सुचिता, आपका मानसिक सुचिता, ये सबका लेवल क्या होना चाहिए, हर लेवल में उन्होंने हम बताया। अब हम सुनते कई बार हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सही में ठाकुर जी ने ऐसा बताया, ऐसा करना तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन नहीं, आप करते 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 मेकानिकली आप अगर जब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी, इस जीवन में जैसे इस जन्म में हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की, श्री ठाकुर जी की आदर्श हमें, जीवंत आदर्श हमें मिला है, इसके लिए हम इस जन्म के प्रति श्रद्धाशील रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं अंत में एक और बार कहना चाहूंगा,
कि आत्मा, इस आत्मा का जैसे विनाश नहीं होता, जैसे कहते हैं न जायते मृत्यु बा कदाचिन नायं भूता भविता बा न भूयो अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीर। भले हम इस शरीर को त्याग कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन हम ठाकुर जी के साथ लगे रहेंगे जन्म जन्म जन्मांतर के। हमारे परम आराध्य परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के साथ हम जुड़े रहेंगे। इसी तरह से आइए आज की इस कठिन समय में हम सभी एक दूसरे गुरु भाई के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे गुरु भाई की सुख में सुखी होने की कोशिश करें, एक दूसरे गुरु भाई की शांतता में शांत रहने की चेष्टा करें, एक दूसरे गुरु भाई की उन्नति और हो इसकी प्रार्थना करें। परम दयाल पुरुषोत्तम को हम अपने सर पे लेके इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। आचार्य देव को हम मान के उनकी कथनी, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीक्षा सतनाम में दीक्षित करें। जिस तरीके से मेरे जीवन में जो अनुभूतियां हुई है उस अनुभूति के बारे में लोगों को हम बताएं। सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोले अनुभूति के द्वारा जो प्राप्त किया वही है ज्ञान, तो वही ज्ञान के बारे में हम लोगों को समझाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ठाकुर जी के प्रति आकर्षित करें और इसी प्रार्थना के साथ सभी का मंगलमय सुखमय जीवन कामना के साथ मैं आज अपना वक्तव्य को यहीं पे विराम दूंगा। सबको मेरा सादर जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।